आयशा आज बाजार जा रहा है दिवाली की शॉपिंग करने। लो भाई पर्स मांग रहा है मम्मा से। हाय करो, जाओ फिर है ना, पापा के साथ जाना। पापा कहाँ हैं अभी, शूज पहन रहे हैं? लो फोन, आपका फोन आ रहा है, इसमें पर्स दे दिया ना मैंने आपका। और यहाँ पर मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ फ्रेंड्स, और बाहर गाड़ी की आवाज़ भी आई, शायद से आयुष भी आ गया है, बाजार गया है अपने पापा के साथ। आयु कौन आया, कौन है भैया, क्या लाए भैया इसको आप? पापा से खा रहे हो जी? जी पटाखे लाए, दिखाओ मुझे। आयुष ने आज दिवाली की शॉपिंग पहले दिन ही कर ली है। आहा बहुत अच्छे लाए, उड़ा सकते हो? डर तो नहीं लगेगा? फेंक दूंगा। हाँ तो चल बाहर बैठ जा, मैं अभी कपड़े वॉश कर रही हूँ, ठीक है? और कपड़े चेंज कर लो। विहान को तो चीजी का वेट रहता है, क्यों? आज तो वो बाथरूम भी बहुत ज्यादा गंदा है। क्या दे रहे हो, पेठा? अच्छा यार देखिए, अभी पानी जा रहा है मशीन से, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत साफ कर लिया, फिर बाद में करूँगी। साबुन और है? अच्छा डबल लाया। माचिस। अच्छा आयुष के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए, तो उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ अभी फिलहाल के लिए, साबुन को। और ये डाठू आया है मेरे लिए आज आंटी के घर से, तो हमारे पड़ोस में शादी है, तो जिसके घर में शादी होती है गांव में, तो वो हर एक लेडीज़ को डाटू बांटते हैं गांव में, तो मेरे लिए भी एक डाटू आया, मेरे पड़ोसी को भी, और उनके हाथों में भेजा था। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एप्पल के पेड़ की प्रूनिंग कर रहे हैं, तो देखिए हमने स्टार्ट कर दिया अब कटिंग, और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, आयुष भी है और आर्यन विहान भी। तो जो यहाँ पे घास दिख रहा है आपको, ये हम इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने शाम को टोली लगानी है घास की, तो ये सूख रहा है आधा घास यहाँ पर, तो देखना कैसे लगाते हेलो हैं। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिना जॉल हिमाचल लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो सवेरे से हो चुकी है वैसे, तो मैंने सोचा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ जो नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ काम में, तो मैंने सोचा आज आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो जो भी मेरे ब्लॉग आ रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं मुझे, और काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आप सबका स्वागत है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, और यूं ही प्यार देते रहिए, और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। तो अभी दिन का टाइम है, तो आयुष और उसके पापा तो आगे मार्केट से, तो वो थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, वैसे दिवाली तो कल है, तो ये वाला ब्लॉग पता नहीं कब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जब भी करूँगी तो प्लीज़ आपने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, तो दिवाली का व्लॉग अलग से बनाऊँगी मैं। तो चलिए, और मैं अभी लंच तो हमारा हो चुका है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज का जो भी रूटीन होता है शाम तक का, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ बात करते करते, या देखिए मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं चाय लेके जाती हूँ अब अपने हस्बैंड के लिए और भैया के लिए, जो प्रूनिंग कर रहे हैं एप्पल के पेड़ की। वैसे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर लिया, आपने देख ली होगी, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आप लोग भी चाय के मज़े लीजिए। सो चाय पीने के बाद फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड चले गए बगीचे में, और मैं घास लेने चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं इनकी वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए, ये जो एप्पल का पेड़ है, इसमें कीड़ा लगा है, और उसकी दवाइयाँ ये डाल रहे हैं, जो पेट्रोल होता है उसको कॉटन में डाल के उसके अंदर डालते हैं और मिट्टी से फिर बंद कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इनकी वीडियो बना रही थी, तो मेरी वीडियो बनाने वाला तो कोई नहीं था, बस देखिए मैंने भी घास उठाया और घर पहुँच चुकी हूँ मैं भी। और ये वाले कपड़े मैंने वॉश किए थे दिन को, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको अब मैं फोल्ड करती हूँ, तो उसके बाद हम घास की टोली लगा रहे हैं, तो मेरे ब्लॉक में बने रहिए, तो थोड़ी देर से लगाते हैं। और जो घास मैंने लाया मैं आपको दिखाती हूँ, इकट्ठे किया है, ये देखिए सारा घास मैंने इकट्ठे कर लिया है, और ये देखिए मेरे पड़ोसी का घास भी आ रहा है गाड़ी में, क्योंकि इनके खेत थोड़े दूर है, तो बस लेके आ रही है घास।
देखिए इस तरह से डीजल में कॉटन डुबाया जाता है, तो फिर उसके बाद इसको एप्पल के पेड़ में जो जहाँ पे छेद होता है उसमें अंदर डाल देते हैं सुई से, कुछ भी तार जैसी से। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, विहान भी नीचे ले गया बच्चों ने खेलने। और देखिए यहाँ पर टोली भी लगा रहे हैं, और शाम हो चुकी है, धूप भी जा चुकी है, तो फटाफट से लगा रहे हैं। उतरते हुए बड़ा अच्छा बनाया गुत गाते इसकी, पर अंधेरी आ रही है। इंडिया गेट खड़ा और क्या, बहुत बड़ी बनाई।